हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम राइट। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीएस एमसेट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ गाइस, टीएस एमसेट 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करके आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपल डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी, उस लिंक पर क्लिक करना, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज लिखा हुआ है। जैसे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन कॉलम दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो गाइस, आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं इस तरह का एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पूरा स्टेप्स बता दिए कि सबसे पहले गाइस आप लोगों को जो अप्लाइंग चार्जेस यानी कि रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा। सेकंड स्टेप उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, देन आपको प्रिंट आउट निकालना है और फिर आप लोगों का जो गाइस एप्लीकेशन कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पे रजिस्ट्रेशन फी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस, तो आप लोगों के सामने इस तरह से जो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे आप चले जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लेना होगा। नेम ऑफ बोर्ड आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना होगा, आप लोगों को जो भी आपका बोर्ड का नाम रहेगा वो सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने क्या लास्ट क्वालिफाई किया था, कैंडिडेट में आपको अपना नाम एंटर कर देना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपके जो है मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया आप ही का है, आपके पिताजी का, माताजी का या फिर आपके किसी रिलेटिव का है। सारी डिटेल्स फिल करके केयरफुली आए रीड करके आप लोग सिंपली जो है नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे और वहाँ से गैस डायरेक्टली आप लोग जो है अपना अप्लाइंग चार्जेस यानी कि आप लोग जो एप्लीकेशन फ़ी डायरेक्टली पे कर पाएंगे। अब एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद सेकंड स्टेप है गैस फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप जैसे आप लोगों से रेफरेंस आईडी मांगा जाएगा। तो गैस जब आप पेमेंट करेंगे, जैसे मैंने बताया फर्स्ट स्टेप पेमेंट करना है, तो जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करते टाइम गैस आप लोगों की रेफरेंस आईडी दी जाएगी। तो सिंपली वो रेफरेंस आईडी आपको यहाँ पे जो एंटर कर देनी है और रेफरेंस आईडी एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो है सेकेंड ईयर का आपका जो हॉल टिकट है क्वालिफाई एग्जाम का वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आप बिना किसी परेशानी के डायरेक्टली फिल करके सबमिट कर पाएंगे। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम फेस होता है, कोई भी इशू होता है गाइस, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है। वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू आप हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।